वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास 8। आप लोगों का आज ये रेशनल नंबर का लास्ट क्लास है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर। डेंसिटी का मतलब होता है दो रेशनल नंबर के बीच कितना रेशनल नंबर लाई कर सकता है। कंसीडर एनी टू इंटीजर्स, अगर कोई दो इंटीजर्स लेते हैं से दैट 3 and 8, देर आर एग्जैक्टली 4 इंटीजर्स। इसमें मेन रूप से 4 इंटीजर्स हैं बिटवीन दीज नंबर्स, नेमली 4, 5, 6 and 7। नाउ कंसीडर एनी टू रेशनल नंबर, अगर कोई दो रेशनल नंबर लेते हैं 3 by 5 and 8 by 5, क्लियरली ये बात क्लियर है, वी कैन सी देर आर 4 रेशनल नंबर। इसमें 4 रेशनल नंबर है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर में डिफरेंट है, 3 है और ये 8 है, तो 3 के बाद 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, यानी 4 by 5, 5 by 5, 6 by 5, 7 by 5, ये 3 by 5 और 8 by 5 के बीच का है। द रेशनल नंबर 3 by 5 and 8 by 5 कैन आल्सो बी रिटन एज 30 by 50। इसको हम 30 by 50 और 80 by 50 भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, ये 3 by 5 को 10 by 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 by 5 को भी 10 by 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये अब क्या हो गया, डिनोमिनेटर तो दोनों का 50 हो गया लेकिन न्यूमरेटर में डिफरेंस आ गया, ये हो गया 30 और ये हो गया 80। अब इस बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो 3 by 5 और 8 by 5 के बीच का नंबर है, जैसे 31 by 50, 32 by 50, इस तरह से 38 by 50, 39 by 50, ये पूरा इसके बीच के जो भी इस बीच में आएगा 31, 32, 33, 34, 35, इस तरह से मेरा चलता जाएगा 39 तक। द रेशनल नंबर 3 by 5 and 8 by 5 कैन also be written as 3000 by 5000। हमने क्या किया, 3 by 5 को 1000 by 1000 से मल्टीप्लाई किया, 8 by 5 को भी 1000 by 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा 3000 by 5000, ये 8000 by 5000। तो इस तरह से मेरा इस दोनों के बीच का जो नंबर होगा वो 4999 रेशनल नंबर हो जाएगा और वो इस दोनों रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर कहलाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट एनी टू रेशनल नंबर लाइज बिटवीन इनफिनाइट रेशनल नंबर। कोई दो रेशनल नंबर अगर है उसके बीच इनफिनाइट रेशनल नंबर आएगा। अब है रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर फाइंड करना है अगर दो रेशनल नंबर दिया हुआ है तो स्टेप 1, ऐड द टू गिवन रेशनल नंबर। पहले रेशनल नंबर जो दिया हुआ है दो उसको ऐड कर लेंगे। सेकंड स्टेप में है डिवाइड द सम बाय 2। अब जो सम करके आया उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, द रिजल्ट इज ए रेशनल नंबर। जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर होगा विच लाई इन बिटवीन द टू रेशनल नंबर, जो कि दो रेशनल नंबर के बीच लाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पर फाइंड ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 1 by 4 and 1 by 6। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को सम कर देंगे, 1 by 4 plus 1 by 6 प्लस किया तो 5 by 12 आया। अब इसको डिवाइड करना है 2 से, 5 by 12 को डिवाइड किया 2 से तो 5 by 12 into 1 by 2, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, डिवाइड का सिंबल चेंज किया मल्टीप्लाई में तो, और ये हो जाएगा 5 by 24। तो ये एक रेशनल नंबर इस दोनों रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर। इस तरह से हम अगर बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड करना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेथड 2 कहता है कन्वर्ट द गिवन रेशनल नंबर, जो भी रेशनल नंबर हमको दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे कि पहला जो स्टेप है कन्वर्ट कर देंगे रेशनल नंबर को रेशनल नंबर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। दूसरा स्टेप है इफ द डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर, अगर डिफरेंस डिनोमिनेटर है सो ऑब्टेन इफ वन देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो उसको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में प्राप्त करेंगे विथ डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 5/6 and 6/7, इस दोनों के बीच हमको 9 रेशनल नंबर फाइंड करना है, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, डिफरेंस है, क्या करेंगे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 और 6 का हो जाता है 56, तो इसको पहले इक्विवेलेंट बनाएंगे, तो 7/7 से मल्टीप्लाई किया 35/42 और इसको 6/6 से मल्टीप्लाई किया ये 36/42। तो अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर में डिफरेंस 1 है, वही बात यहाँ पर बोला गया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसमें डिफरेंस मेरा 1 आता है इक्विवेलेंट करने पर। अब क्या करेंगे इसको, द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर इज 1, वी विल फाइंड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर एज 10, 100, 1000, इससे हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 35/42 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10/10, ये हो गया 350/420 एंड 36/42 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो ये हो गया 360/420। देयरफॉर 9 रेशनल नंबर, अब 9 रेशनल नंबर फाइंड करना है, द गिवन रेशनल नंबर आर, ये अब 350 के बाद 351/420, 352 इस तरह से हम 369/420 तक लिख सकते हैं, ये 9 रेशनल नंबर हो गया और आज यहाँ पर आप लोगों का रेशनल नंबर कंप्लीट होता है। आप लोग होमवर्क बनाइए, सबमिट कीजिए। थैंक यू वेरी